लद्दाख से यह नदी भारत में एंट्री करती है और इसी क्रम में ये चलती है, और इसी के किनारे क्या है, लेह स्थित है। लेह स्थान है वो किस नदी के किनारे स्थित है आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि जानना स्वतंत्र होता है इस मामले में। इसी के साथ आप इसे ये भी पूछा जाता है कि कराची शहर है किस नदी के किनारे स्थित है, तो कराची शहर किस नदी के किनारे स्थित है, कराची शहर है मित्रों सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यह नदी लद्दाख व जासकर श्रेणियों के मध्य से होकर गुजरती है। कौन सी नदी बनिहाल दर्रे से होकर गुजरती है, तो सिंधु नदी बनिहाल दर्रे से होकर गुजरती है। इसी क्रम में ये तो आगे चलकर एक गर्त का निर्माण करती है, और उस गर्त का नाम क्या होता है, बुंजी गार्ज नाम होता है। क्या होता है, बुंजी गार्ज से होकर बुंजी गार्ज का ये निर्माण करती है, और पाकिस्तान में ये नदी एंट्री करती है। पाकिस्तान में जहां पर ये नदी एंट्री करती है उस स्थान का नाम क्या होता है, चिलास नामक स्थान। कौन सा स्थान है, चिलास नामक स्थान पर यह नदी प्रवेश करती है, और अंत में करांची के निकट यह नदी अरब सागर में अपना जल गिराती है। तो कौन सी नदी हुई, यह नदी हुई सिंधु नदी। कौन सी नदी है, सिंधु नदी है। अब हम लोग बात करेंगे कि सिंधु नदी पर किसी भी प्रकार की कोई परियोजना नहीं बनाई गई है, तो ये तो हमें यहां से ये पता चल गया कि सिंधु नदी पर किसी भी प्रकार की कोई परियोजनाएं स्थित नहीं है। क्योंकि तो सिंधु नदी पर ये कोई परियोजना स्थित नहीं है, तो इसकी जो सहायक नदियां हैं उन पर भी इनकी जो परियोजना है वो स्थापित की गई होंगी। तो हम लोग पढ़ते हैं कि सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो सिंधु नदी की सहायक नदियां जो महत्वपूर्ण नदी है मित्रों, वह कौन सी नदी है, चिनाब नदी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देखिएगा। हम लोग पढ़ेंगे कि सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है, चिनाब नदी है। कौन सी नदी है, चिनाब नदी। चिनाब नदी का उद्गम होता है मित्रों कहां से होता है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से इस नदी का उद्गम होता है। किस नदी का उद्गम होता है, चिनाब नदी का उद्गम होता है। नदी का नाम क्या है, चिनाब नदी। चिनाब नदी का उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश से होता है। यह है, पहले हम आपको बता दूं कि ये चंद्रा व भागा नदी के यानी दो नदियों के रूप में ये नदी बहती है। चंद्रा या भागा दो नदियों के रूप में ये नदी बहती है, और जहां पर ये नदी का मिलन होता है, जहां पर ये नदी दोनों नदियों का क्या होता है, मिलन स्थान होता है, वह स्थान कौन सा है, तंडी। कौन सा स्थान है, तंडी। चंद्रा और भागा नदी का जहां पर संगम होता है, जहां पर मिलन होता है, उस स्थान का नाम क्या है, तंडी। और उसके बाद में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है, चिनाब नदी के नाम से जाना जाता है। तो इसके बाद में ये नदी है हिमाचल प्रदेश से निकलने के बाद जम्मू कश्मीर में बहती हुई यह नदी चली जाती है कहां पर, पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में यह नदी किस नदी में जाती है, यह नदी सिंधु नदी घाटी में, सॉरी सिंधु नदी में ये नदी मिल जाती है, और जहां पर मिलन होता है वहां उस स्थान का नाम क्या है, मिठानकोट। मिठानकोट यानी हिमाचल प्रदेश से नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम क्या होता है, चिनाब होता है। इससे पहले ये नदी दो धाराओं के रूप में बहती है, यानी दो नदियों के रूप में बहती है, एक का नाम क्या होता है, एक का नाम भागा होता है, और दूसरी का नाम क्या होता है, चंद्रा नाम होता है, यानी चंद्र चंद्रा। तो चंद्रा भागा के रूप में ये दो नदियां पहले बहती है, और जहां पर दोनों नदियों का मिलन होता है उस जगह का, उस स्थान का नाम क्या है दोस्तों, उस स्थान का नाम है तंडी। और उसके बाद इस नदी को चिनाब नदी के नाम से जाना जाता है। जो नदी हिमाचल प्रदेश में बहने के बाद जम्मू कश्मीर में बहती हुई ये नदी पाकिस्तान में चली जाती है, और पाकिस्तान में मिठा नामक स्थान पर यह नदी यानी मिठानकोट पर यह नदी किस नदी में मिल जाती है, सिंधु नदी में मिले जाती है, और इसके बाद इस नदी का पानी आगे चला जाता है अरब सागर में अपना जलीय गिराती है। तो ये जो चिनाब नदी है इस पर कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हमारे सरकार के द्वारा यहां पर चलाई गई थी। तो तीन महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं चिनाब नदी से संबंधित, तो मैं चर्चा करना चाहूंगा। देखिए नदी कौन सी है, चिनाब नदी है। चिनाब नदी देखिए
देखिए चिनाब नदी पर महत्वपूर्ण तीन परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। कितनी परियोजनाओं का? तीन परियोजनाओं का निर्माण किया गया है, जिसमें सबसे पहले परियोजना कौन सी है? सलाल परियोजना। सलाल परियोजना और दुलहस्ती परियोजना। दुलहस्ती परियोजना यानी इस नदी पर, चिनाब नदी पर तीन परियोजनाएं स्थापित की गई है। कितनी परियोजनाएं? तीन, मुख्य रूप से तीन परियोजनाएं स्थापित की गई है, सलाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना और बगलीहार परियोजना। बगलीहार परियोजना रीट के एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है परियोजना, क्योंकि यहां से एक या दो प्रश्न जरूर पुटअप होते हैं। तो चिनाब नदी पर कितने परियोजनाएं बनी गई है? तीन परियोजनाएं बनाई गई हैं, सलाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना और बगलीहार परियोजना। आपसे यह पूछा जा सकता है कि सलाल परियोजना किस नदी से संबंधित है, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है, बगलीहार परियोजना किस नदी पर है? तो आपका उत्तर क्या रहेगा? चिनाब नदी। कौन सी नदी होगी? चिनाब नदी होगी। इसके अकॉर्डिंग यहां से एक प्रश्न और पुटअप होता है एग्जाम की दृष्टि से कि दुलहस्ती और बगलीहार परियोजना, आपको पता है 1960 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में सिंधु नदी का ये जो पाकिस्तान और भारत के बीच एक समझौता हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग दुलहस्ती परियोजना और बगलीहार जो परियोजना है मित्रों, भारत पाकिस्तान की ऐसी दो परियोजना है जहां पर अभी क्या है, विवादित चल रही है। भारत प्लस पाकिस्तान विवादित परियोजनाएं कौन कौन सी है? बगलीहार परियोजना, दुलहस्ती परियोजना। एग्जामिनर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसी कौन सी दो परियोजना है जो पाकिस्तान भारत की द्वारा विवादित परियोजनाएं हैं, तो वह कौन सी है? दुलहस्ती परियोजना, बगलीहार परियोजना, जो किस नदी से संबंधित है? चिनाब नदी से संबंधित है। तो हम लोगों ने पढ़ा है आज कि भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से मैंने आपको बताया कि बहुउद्देशीय परियोजना दो शब्दों से मिलकर बना है, बहु प्लस उद्देश्य, यानी ऐसी परियोजनाएं जिनसे एक से अधिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। और मैंने आपको उद्देश्य भी बताए हैं कि जैसे सिंचाई, जल की आपूर्ति और जल उत्पादन, जल विद्युत उत्पादन, कृषि उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण, जैसे पर्यटन, परिवहन, इस मत्स्य पालन और पशुपालन, इनकी दृष्टि से ये महत्वपूर्ण परियोजनाएं संचालित की गई थी। अब हम लोग देखें कि जो सिंधु नदी है, परियोजनाओं को नदी तंत्र के आधार पर दो भागों में से विभाजित किया गया था। ये तो यानी हिमालय से संबंधित नदी तंत्र, यानी हिमालय से निकलने वाली जितनी नदियां हैं उनसे संबंधित कौन कौन सी परियोजनाएं चलाई गई है। प्रश्न ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि निम्नलिखित कौन सी परियोजनाएं किससे संबंधित है। आजकल क्या होता है कि कोर्ट में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको उस राज्य का पर्टिकुलर, राज्य का नाम याद होना चाहिए, पर्टिकुलर आपको परियोजना का नाम याद होना चाहिए, क्योंकि मिलान वाले क्वेश्चन आजकल ज्यादा, जो मिलान वाले क्वेश्चन है वो आजकल ज्यादा पूछे जाते हैं भर्ती परीक्षा के अंदर। तो आपको परियोजना प्लस राज्य का नाम आपको याद होना चाहिए, तभी आप प्रश्न को एकदम सही कर पाओगे। तो हिमालय से कौन कौन सी नदी तंत्र है, उन पर कौन कौन सी नदियां हैं, जैसे कौन कौन सी परियोजनाएं बनी हुई है, और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है उनमें कौन कौन सी नदियां हैं जिन पर कौन कौन सी परियोजनाएं बनाई गई हैं। तो आज हमने पढ़ा है कि सिंधु नदी तंत्र यानी हिमालय से संबंधित कौन सा नदी तंत्र है। हिमालय नदी तंत्र को हमने तीन भागों में बांटा, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कौन सा? सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र की महत्वपूर्ण नदी कौन सी हुई? सिंधु नदी हुई। और सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी हुई? चिनाब नदी हुई। और चिनाब नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? सतलज, रावी, व्यास। सतलज, रावी, व्यास। सतलज की सहायक नदी कौन सी है? व्यास नदी। और इसी प्रकार से झेलम नदी की सहायक नदी कौन सी है? किशनगंज नदी। किस नदी की सहायक नदी है? तो झेलम नदी की सहायक नदी है। इसी प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा कि सिंधु नदी पर किसी भी प्रकार की कोई परियोजनाएं संचालित नहीं है, बट उसकी जो सहायक नदियां हैं उन पर विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं को संचालित किया गया हमारी सरकार के द्वारा। तो इसकी महत्वपूर्ण जो सहायक नदी है वह नदी कौन सी है? चिनाब नदी है। चिनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश से होता है। कहां से होता है? हिमाचल प्रदेश से होता है। पहले यह नदी दो नदियों के रूप में बहती है, चंद्रा और भागा के रूप में यह नदी बहती है। जब ये दो नदी धाराओं के रूप में बहकर आती है, जहां पर दोनों का मिलन होता है, दोनों का
एक स्थान पर जो स्वयं होता है वह कहाँ होता है? तंडी नामक स्थान पर होता है और उसके बाद ये नदी चिनाब नदी के नाम से जानी जाती है मित्रों। इसके बाद ये नदी हिमाचल प्रदेश से निकलने के बाद जम्मू कश्मीर की सीमा बनाती हुई यानी जम्मू कश्मीर से ये बहती हुई नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में ये मिठानकोट नामक में सिंधु नदी में ये मिल जाती है। इसी नदी पर तीन परियोजनाएं चलाई गई है हमारी सरकार के अंतर्गत। कितनी परियोजना? तीन परियोजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि चिनाब नदी पर कितनी परियोजनाएं चलाई जा रही है वह कौन कौन सी परियोजनाएं संचालित की गई है। तो सलाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, बगली हर परियोजना किस परियोजना किस नदी से संबंधित है? यह चिनाब नदी से संबंधित है, जिसमें से दुलहस्ती परियोजना और बगली हर परियोजना भारत और पाकिस्तान की जो ऐसी परियोजना है जो अभी क्या है विवादित चल रही है। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी तक आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद साथियों।